टी ब्लॉक्स स्टीम ग्रुप के दो लेक्चर्स दे चुके हैं। सेकंड लेक्चर में आपने देखा था कि इलेक्ट्रोपिक नेचर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है सिस्टीन ग्रुप एलिमेंट्स की। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी सिस्टीन ग्रुप एलिमेंट्स इस वीडियो। तो आप लोग जो वीडियो चल रहे हैं उनको पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, कोई डाउट हो तो उसको पूछिए, ठीक है। अभी आप देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीन ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होगा। आपने फर्स्ट ईयर के हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्राइड्स पढ़ा था, और आपने जो सिस्टीन ग्रुप के हाइड्राइड्स थे वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होते हैं। आपने कोवेलेंट हाइड्राइड्स के तीन नेचर पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। तो 16, 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाते हैं, मतलब ये जो हाइड्राइड बनेंगे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनेंगे। इस ग्रुप के जो एलिमेंट है बेटा वो H2E टाइप ऑफ हाइड्राइड बनाएंगे, H2E टाइप ऑफ हाइड्राइड। कौन सा हाइड्राइड? H2E टाइप ऑफ हाइड्राइड। E का मतलब कोई भी 16 ग्रुप एलिमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, क्लोरीन, पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव, इसलिए उसकी बार बार चर्चा हम नहीं करते, वो उसका हाफ लाइफ काफी कम है, 13.6 डेज है, डीके होता रहता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है, अनस्टेबल है। जैसे बेटा H2O, H2S, H2SE, H2 हाइड्रोजन कॉमन है, ये वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, पोलोनियम हाइड्राइड। अब जरा कुछ तत्वों के बारे में आप समझिएगा। आप जब डाउन द ग्रुप जाओगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम O टू PE की बात जनरली करते, पोलोनियम की नहीं करते, EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। EH बॉन्ड लेंथ क्या करेगी बेटा? इंक्रीज करेगी, बिकॉज द साइज ऑफ E माने ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बेरिलियम इंक्रीजेस, माने सेंटर एटम, ठीक। अब जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बेटा क्या होगा? एक वर्ड होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज रेसिप्रोकल टू बॉन्ड लेंथ। आप डाउन द ग्रुप जाओगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ठीक। कैसे होगा समझिएगा बेटा, जैसे ऑक्सीजन, ये बॉन्ड लेंथ हुआ, इसका साइज छोटा है। अब SH बॉन्ड लेंथ इतना बड़ा हो जाएगा, SE थोड़ा और बड़ा होगा, और बड़ा। तो कहने का मतलब जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो EH बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, अगर EH बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, माने बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये मेन कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, रेली क्वेश्चन आते हैं इससे। EH बॉन्ड लेंथ पर ही सारा दाव लगा है, EH बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। EH बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, कम चाहिए और स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो ये यहां पर बात कितनी आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की, थर्मल स्टेबिलिटी। जब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करोगे तो जरा समझिएगा,
किसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी भैया, कौन सा बॉन्ड सबसे मजबूत है? OH का। माने ये बॉन्ड छोटा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। ये बॉन्ड थोड़ा बड़ा हुआ, स्टेबिलिटी कम। ये बॉन्ड थोड़ा और बड़ा हुआ, स्टेबिलिटी और कम। ये बॉन्ड और बड़ा हुआ तो ये क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी होगा कि नहीं होगा बेटा, बोलो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी एंड रेसिप्रोकल टू बॉन्ड लेंथ। तो जरा सोचिए, जब आप डाउन का ग्रुप जाओगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी आपको कम चाहिए होगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसीलिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम H2O टू H2PE थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। क्लियर? अब देखते हैं, हम इसके एसिडिक करेक्टर की चर्चा करते हैं, इनके हाइड्राइड्स का एसिडिक करेक्टर क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। अब हम इसके एसिडिक करेक्टर को देखेंगे। आप लोग काफी विद्वान लोग हैं, एसिडिक करेक्टर की जब बात आती है तो एसिडिक कौन ज्यादा अच्छा होता है? एसिड कौन होगा? रिच कैन रिलीज H+ आयन, जो H+ आयन को रिलीज करेगा वो एसिड होगा। ठीक, इसका मतलब जो जितना आसानी से H+ आयन रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड होगा। आप देखना बेटे, H2O, H2S, H2SE, H2PE, इन चारों में सबसे तगड़ा एसिड कौन होगा? H2PE। माने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर होगा कि नहीं होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। जरा सोचिए, ऐसा क्यों मैंने कहा? फिर वही बात, बॉन्ड क्या आएगी? बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी होगी। यहां साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ा बॉन्ड ये है, माने H2PE इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2SE एंड H2S। आपको मालूम होगा बेटे, H2O एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम H2O टू H2PE एसिडिक करेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। वहां ध्यान दीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन यहां से बनता है, वाई H2PE इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2S, या आउट ऑफ H2S and H2PE which one is a stronger acid? तो H2PE is stronger acid than H2S because HPE bond is weaker than HS bond, so H2PE can easily release H+ ion than H2S।
इसलिए H2PE स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब हम इन हाइड्राइड्स की जरा फिजिकल स्टेट को देख लेते हैं, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट H2O, H2S, H2SE, H2PE। H2O क्या बेटा? लिक्विड। ये बाकी सारे के सारे क्या है? गैस। इन हाइड्राइड्स में सिर्फ H2O लिक्विड है, बाकी सब क्या है? गैस है। तो क्वेश्चन आता बेटा, वाई H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। तो इसका जवाब दोगे, इन केस ऑफ H2O, इन केस ऑफ H2O इट इज एबल टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो H2O लिक्विड है, H2S गैस, इसका रीजन लिखना होगा। तो इन केस ऑफ H2O इट इज एबल टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वेयर एज H2S कैन नॉट। दैट्स व्हाई H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। यहीं से एक तृतीय वर्ग का सवाल और बनता है, वो भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन और बनता है वन मार्क्स में। ये सारे क्वेश्चन वन मार्क्स में आते हैं बेटा। वाई बीपी ऑफ H2O, बीपी माने बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर नहीं, वाई बीपी ऑफ H2O इज हायर देन H2S। दोनों का जवाब सेम है, दोनों सवाल का याद रखिएगा। इन केस ऑफ H2O it has ability to form a strong intermolecular hydrogen bond, that's why strong intermolecular hydrogen bond, whereas H2S cannot. So BP of H2O is higher than H2S. एक बात अभी यहां पर समझिएगा, इसका मतलब H2O का boiling point H2S से ज्यादा होगा तो क्या down the group यही बात चलेगी? नहीं चलेगी। H2SE का boiling point, H2TE का boiling point अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा होगा, बट H2S का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? H2O से भी कम है, H2SE से भी कम है। यहां पर रीजन क्या दोगे? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वंडरवाल्स फोर्स, क्योंकि डाउन का ग्रुप जाओगे साइज बढ़ जाएगी, जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगी तो वंडरवाल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसके आगे देखिए आप लोग इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में जरा सुनिएगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोले तो कौन रिड्यूस करेगा भैया? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की हम बात करने जा रहे हैं, इसका मतलब
जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जरा आप समझिएगा, H2O, H2S, H2SE, H2PE, यहां कौन को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं इसीलिए आपको उसी हिसाब से बॉन्ड बना रहा हूं। आप देखिएगा इसमें कौन सा बॉन्ड सबसे कमजोर लग रहा है, ये वाला। तो जो EH बॉन्ड जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तब जाकर के ये दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो किसका बॉन्ड इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, कौन सा बॉन्ड इजीली टूट सकता है, EH बॉन्ड। इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। OH बॉन्ड चूंकि बहुत ही स्टेबल होता है इसलिए इसको हम नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर में रखते हैं। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा फ्रॉम H2S2 H2P, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डाउन का ग्रुप जाओगे EH बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो EH बॉन्ड इजीली ऑक्सीडाइज होगा जिस कारण उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात आ गई। एक और बात समझ लीजिए, यहां पर बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो जब हम बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो आप H2O पता है, H2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 sp3 होगी। और इसका शेप कैसा होता है, बैंड, या आप इसको क्या बोलते थे, एंगुलर। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री। आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप ई की साइज इंक्रीज करेगी, एज साइज ऑफ ई इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। इसका मतलब एक बात साफ हो गई कि डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी, डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। क्लियर होगा। तो ये हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई कि 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2E टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, जिनका आपने बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, एसिडिक कैरेक्टर देख लिया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर देख लिया, थर्मल स्टेबिलिटी देख लिया, बॉन्ड एंगल देख लिया। अब हम चर्चा करेंगे बेटे ऑक्साइड्स की। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑक्साइड ऑफ द 16 ग्रुप एलिमेंट्स। देखेंगे बेटे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन मींस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो याद रखिएगा 16 ग्रुप के एलिमेंट्स बेसिकली दो तरह के ऑक्साइड बनाएंगे, EO2 एंड EO3। ई माने कोई भी 16 ग्रुप का एलिमेंट पोलोनियम भी हो सकता है, माने सल्फर SO2 SO3, सेलेनियम SE2O2 SE2O3, टेलुरियम, साथ साथ सेम तरह से पोलोनियम EO2 EO3। ठीक बेटा, GO2 PO, ये सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं यहाँ पर। इसमें याद रखिएगा SO2 गैस है, SeO2 ब्रेटाइल सॉलिड है, PO2 क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सेम यहाँ पर लागू होगा, ये भी आपका गैस है। तो ये इतने कुछ मोनो ऑक्साइड भी बनते हैं, सल्फर मोनोऑक्साइड बनता है, टेलुरियम मोनोऑक्साइड बनता है, ये अनस्टेबल होते हैं, याद रखिएगा। इनका जो स्टेबल फॉर्म है वो TO2 एंड TO3 ऑक्साइड्स आर द स्टेबल ऑक्साइड ऑफ द 16 ग्रुप एलिमेंट्स। आप देखिए बेटा इनकी कुछ और प्रॉपर्टी आप समझिएगा जरा। वो है EO2 ऑक्साइड्स
आर मोर कोवेलेंट देन ईओ थ्री ऑक्साइड्स, माने ईओ थ्री ऑक्साइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ईओ टू ऑक्साइड होगा। याद रखिएगा, ईओ थ्री ऑक्साइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ईओ टू ऑक्साइड्स, की माने कोई भी जैसे SO3 मोर कोवेलेंट देन SO2। अब यहां पर बेटे आपको फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक याद रखना पड़ेगा, पोलराइजेशन वाला फजांस रूल। कौन सा रूल? फजांस रूल। यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। आपने पढ़ा है स्मॉलर द साइज लार्जर द चार्ज मोर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। जिस कैटायन की साइज छोटी होगी, चार्ज ज्यादा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर बेटे ज्यादा होगी। अब जरा आप SO3 और SO2 को देखिए, SO3 और SO2 में प्लस सिक्स और इस पर कितना चार्ज है? प्लस टू। इस सल्फर की साइज छोटी है, माने S प्लस सिक्स इज स्मॉलर देन S प्लस फोर। यही तो कैटायन की साइज क्या होती है? छोटी होती है। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, माने जितना इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा, साइज उतनी छोटी होती जाएगी। इसीलिए बेटा S प्लस सिक्स इज स्मॉलर देन S प्लस फोर। अब जब साइज घटेगी, चार्ज भी बढ़ रहा है, तो S प्लस सिक्स और S प्लस फोर में किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी? S प्लस सिक्स की मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजिंग पावर। और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा पोलराइज करेगा, और जो ज्यादा पोलराइज करेगा उसका बॉन्ड जो है उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा। मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा? जब कैटायन की साइज छोटी और चार्ज ज्यादा होगा। तो SO3 और SO2 में S प्लस सिक्स और SO2 में S प्लस फोर स्टेट में है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, इसकी पोलराइजिंग पावर कम है। रिजल्ट, यहाँ पोलराइजेशन ज्यादा हुआ, यहाँ कम हुआ। और कंक्लूजन क्या हुआ? कि SO3 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया इससे SO2। क्लियर? तो EO2, सॉरी EO3 ऑक्साइड्स आर मोर कोवेलेंट देन EO2 ऑक्साइड। और मैंने इसका एग्जांपल आपको समझाया कि SO3 इज मोर एसिडिक देन SO2। सेम इसी से रिलेटेड एसिडिक नेचर भी आप समझते हो। जिस नॉन मेटल के ऑक्साइड का कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है, उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। तो मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा। यही रीजन है बेटा कि ईओ थ्री ऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक देन ईओ टू ड्यू टू मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। यही रीजन है SO3 इज मोर एसिडिक देन SO2। अब दूसरी बात यहां पर हमको समझनी पड़ेगी, इस बात को समझने के बाद, कि अगर हम एक ही तरह के ऑक्साइड की बात करें, जैसे हम बात करें SO2 की, SeO2 की, TeO2 की, तो क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा। तो डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और सेम बात यही SO3 वाले में लागू होगा, माने EO3 वाले में भी एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर।
क्यों डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर घटेगा बेटा? मेटैलिक करेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटैलिक करेक्टर घट जाएगा। अगर कोई तुमसे पूछे कि डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर क्यों घट रहा है तो क्या जवाब दोगे प्यारे? आप बोलोगे डाउन द ग्रुप मेटैलिक करेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटैलिक करेक्टर घट रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि नॉन मेटैलिक ऑक्साइड्स आर नॉन मेटैलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर वेयर एज मेटैलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। डाउन द ग्रुप फ्रॉम सल्फर टू पीई मेटैलिक नॉन मेटैलिक करेक्टर डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस। अब एक पॉइंट और कर से लेते हैं, ये ऑक्साइड वाला टॉपिक खत्म होता है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हैलाइड और कुछ प्रॉपर्टी लेंगे, उसके बाद कंपाउंड बचेंगे। जनरल जो क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं आपके लगभग ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। आप देखिएगा कि ऑक्साइड्स ऑफ सिस्टीन ग्रुप एलिमेंट्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, reducing in nature. Down the group from SO2 to TeO2, reducing character decreases. Reducing character decreases. SO2 is स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वेयर एज TeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, ये ऑक्साइड आपका फिनिश हो जाएगा। अब देखिए बेटा जरा यहां से एक वन मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान से समझिएगा इसको। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही सेम खानदान से बिलोंग करते हैं। सेम खानदान का मतलब हुआ कि इनके वैलेंस सेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और सिक्स होगा। देख सकते हैं आप, इसका दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसको जरूरत नहीं है, इसने इसके साथ क्वाड्रेट बॉन्ड बना लिया। क्लियर? अब देखिए इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और एक के बीच एक क्वाड्रेट बॉन्ड बन जाता है। तो ये इसका एंगुलर स्ट्रक्चर हुआ, एंगुलर पैरल स्ट्रक्चर बन गया SO2 का। अब क्वेश्चन आता बेटा, इज इन SO2 बोथ SO बॉन्ड्स आर इक्वल, क्या SO2 में दोनों SO बॉन्ड इक्वल होंगे? तो देखिएगा जरा जवाब इसका बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब आप लोग विजनेंस को याद करिए जरा, भगवान का नाम लेके। यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल,
इस सिंगल बॉन्ड को कहां शिफ्ट कर दोगे, डबल बॉन्ड को, इसके साथ डीलोकलाइजेशन, तो डबल बॉन्ड यहां चला गया। अब जब इसका रिलायंस हाइब्रिड बनाओगे तो डबल बॉन्ड दोनों से कहीं भी हो सकता है, आप दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल हो, पहले इक्वल नहीं थे, पहले देखने में लग रहा था, आपको मालूम होना चाहिए कि डबल बॉन्ड स्मॉलर होता है, सिंगल बॉन्ड लार्जर होता है, लेकिन अब यहां देखने पर लगा कि पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों जगह है, सो क्या हुआ, ड्यू टू रिजोनेंस इन SO2 इट्स बोथ SO बॉन्ड्स आर इक्वल। आज का लेक्चर हम लोग यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे बेटा हाइलाइट्स के बारे में, कुछ और प्रॉपर्टी और कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, तो ये आज अपना कंप्लीट करिए इसको, और जो भी डाउट्स हो उसको डिस्कस करिए। आज आपने इसमें बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जो आपके स्कूल के एग्जाम में भी और कंपटीशन में काम आने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।